कहते हैं बेटा द स्पाइनल कॉर्ड रनज थ्रू ए हॉलो केस फ्रॉम द स्कल एंड क्लोज्ड विद इन वर्टिब्रल कॉलम, इसीलिए इसको और एक नाम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम, एंड क्लोज्ड विद इन वर्टिब्रल कॉलम, क्योंकि ये बेटा किसके अंदर प्रेजेंट होता है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, विद इन द वर्टिब्रल कॉलम, वी ई आर टी ई बी आर ए एल सी ओ एल यू एम एन वर्टिब्रल कॉलम फुल स्टॉप. स्पाइनल नर्व्स अराइज फ्रॉम, स्पाइनल नर्व्स अराइज फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स ऑफ द, arises from different regions of the vertebral column, different regions of the vertebral column. ये जो बेटा spinal nerves होती है ये arise होती है different regions of the vertebral column and are named accordingly, and are named accordingly. और इसी के बिना पे इनको क्या दिया गया है, नाम दिया गया है, एंड और नेम्ड अकॉर्डिंगली. इसीलिए कल हमने क्या कहा, थोरेसिक, लंबर, कोकोजियल, सैक्रल, ठीक है, नेम्ड अकॉर्डिंगली. द रीजन्स और नेक, आदि कहाँ से निकलती है बेटा, नेक से, मतलब आदि रीजन किस में आते हैं, नेक, कामा चेस्ट. आदि रीजन किसके अंदर आते हैं, चेस्ट के अंदर, कामा पेल्विक. आदि किसके अंदर आते हैं, पेल्विक एंड एब्डोमिनल, एब्डोमिन, एब्डोमिनल. एंड एब्डोमिनल आपने बेटा पिछले साल दो कॉन्सेप्ट्स के बारे में सुना है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बोथ कंसिस्ट्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ मैटर्स, वन इज ग्रे मैटर, अनदर इज वाइट मैटर. सुना है, अगर सुना है वही बोलो, अगर नहीं सुना है फिर हम लिखेंगे, क्योंकि आपको इस चीज़ की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको बेटा इस चीज़ की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. आप लिखिए बेटा, क्रॉस सेक्शन, जब हम स्पाइनल कॉर्ड का क्या देखते हैं, क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन, हाँ नीचे नीचे, क्रॉस सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, क्रॉस सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड displays gray matter, displays gray matter, हाँ gray matter, matter matter, gray matter, shaped like a butterfly, shaped like a butterfly, shaped like a butterfly, surrounded by a white matter, surrounded by a white matter. ये जो क्रॉस सेक्शन हम स्पाइनल कॉर्ड का देखते हैं वो हमें कहता है ग्रे मैटर जो उस इसके अंदर है उसकी शेप कैसी है, बटरफ्लाई लाइक, और इसको किसने सराउंड किया है, व्हाइट मैटर ने. ठीक है बेटा, नाउ व्हाट इज ग्रे मैटर एंड व्हाट इज व्हाइट मैटर, नीचे लिखो बेटा आप. ग्रे मैटर कंसिस्ट्स ऑफ द सेंट्रल कैनाल एट द सेंटर, सेंट्रल कैनाल एट द सेंटर एंड इज फिल्ड विद एफ्लुइड, एंड इज फिल्ड विद एफ्लुइड कॉल्ड CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो CEREBRO, सेरिब्रोस्पाइनल, SPINAL, स्पाइनल फ्लूइड, FLUID, फ्लूइड,
डी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड फुल स्टॉप. इट कंसिस्ट्स ऑफ हॉर्न्स HORNS हॉर्न्स HORNS HORNS हॉर्न्स ब्रैकेट में लिखना फोर प्रोजेक्शंस एंड फॉर्म्स द कोर CORE फॉर्म्स द कोर मेनली कंटेनिंग containing neurons and cells of CNS ठीक है बेटा. हाँ तो हम कहते हैं बेटा ग्रे मैटर सेंट्रल कैनाल पे होता है. ये इसलिए सेंटर पे होता है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड और बेटा हम कहते हैं ये हॉर्न से बना है. हॉर्न का मतलब यहां क्या है फोर प्रोजेक्शंस जो बेटा कोर बनाते हैं. किसका कोर बनाते हैं न्यूरॉन्स का और सेल्स ऑफ CNS का. देयर आर टू डॉर्सल एंड टू वेंट्रल हॉर्न्स देयर आर टू है ना टोटल में चार टू डॉर्सल DORSAL डॉर्सल एंड टू वेंट्रल VENTRAL वेंट्रल हॉर्न्स HORNS वेंट्रल VENTRAL वेंट्रल हॉर्न्स HORNS उसके बाद बेटा व्हाइट मैटर नीचे लिखो. द व्हाइट मैटर कंसिस्ट्स ऑफ collection of axons permitting communication between different layers of CNS फुल स्टॉप. हम कहते हैं व्हाइट मैटर क्या होता है इसके अंदर कलेक्शन होती है एक्सॉन्स की जो परमिट करता है कम्युनिकेशन डिफरेंट लेयर्स ऑफ CNS. एट्रैक्ट इज ए कलेक्शन ऑफ एक्सॉन एट्रैक्ट TRACT attract is a collection of axons and carries specialized information ठीक है बेटा. तो हम कहते हैं इसके अंदर क्या होता है एक्सॉन इसके अंदर क्या होती है सेल्स ठीक है. ये है ग्रे मैटर ये है व्हाइट मैटर. उसके बाद पिछले साल आपने पढ़ा होगा क्या ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय थ्री लेयर्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर प्रोटेक्टेड बाय थ्री लेयर्स एंड दीज लेयर्स आर कॉल्ड मेनिंजेस. पढ़ा है लिखो बेटा नीचे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड हाँ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड और सराउंडेड बाय थ्री लेयर्स ऑफ मेनिंजेस MENINGES मेनिंजेस थ्री लेयर्स ऑफ मेनिंजेस. पहला ड्यूरामेटर DURAMATTER ड्यूरामेटर कम उसके बाद ऑर्गेनॉइड मैटर ARA
CHNNOID ऑर्किनोइड मैटर। उसके बाद तीसरा पाया मैटर PIAMETER पाया मैटर। पहली को आप याद रखेंगे इनर मोस्ट, दूसरा मिडल, ये आउटर मोस्ट। ठीक है, ये तीन लेयर्स प्रोटेक्ट करती है स्पाइनल कॉर्ड को भी और ब्रेन को भी। ठीक है, उसके बाद आप देखिए हमने क्या कहा, हमने कहा स्पाइनल नर्व्स कंसिस्ट्स ऑफ ग्रुप ऑफ 31 नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स कंसिस्ट्स ऑफ ग्रुप ऑफ 31 नर्व्स। दीज नर्व्स आर अटैच्ड टू द स्पाइनल कॉर्ड और अटैच्ड टू द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल नर्व्स बेटा क्या होती है, ये बेटा ग्रुप में अराइज होती है 31 पेयर ऑफ नर्व्स। और बेटा हम इनको क्या कहते हैं, ये अटैच होती है स्पाइनल कॉर्ड के साथ बाय टू रूट्स डोर्सल DORSAL डोर्सल सेंसरी रूट सेंसरी SENSORY सेंसरी रूट। और बेटा एंड वेंट्रल मोटर रूट। ठीक है बेटा, डोर्सल साइड से और वेंट्रल साइड से। ठीक है, उसके बाद बेटा जो हमने कल कहा उससे पहले द सेंसरी रूट फाइबर्स। हाँ, द सेंसरी रूट फाइबर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स कैरी सेंसरी इम्पल्सिस। तो बेटा ये जो सेंसरी रूट फाइबर्स है ये क्या काम करते हैं, ये बेटा सेंसरी इम्पल्स देते हैं टू द स्पाइनल कॉर्ड, सेंसरी इम्पल्स टू द स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद बेटा द मोटर रूट्स ऑन द अदर हैंड कैरी इम्पल्सिस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड वो मतलब सेंसरी रूट इंफॉर्मेशन लाता है, मोटर रूट इंफॉर्मेशन भेजता है। उसके बाद बेटा द स्पाइनल नर्व्स कैरी मैसेजेस टू एंड फ्रॉम द स्किन ऑफ स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ द बॉडी कॉल्ड डर्मेटोटोम्स DERMATOTOMES डर्मेटोटोम्स। ठीक है, तो हम कहते हैं बेटा ये जो स्पाइनल नर्व्स इंफॉर्मेशन लेती है, ये बेटा इंफॉर्मेशन जब लेती है ये इंफॉर्मेशन लेती है कहां से कहां तक, मैसेज फ्रॉम द पार्ट ऑफ द बॉडी टू द स्किन, उसको हम क्या बोलते हैं, डर्मेटोटोम्स। अब देखिए बेटा, हाँ, DERMATOMES डर्मेटोम्स। ठीक है,
उसके बाद हमने कल कहा स्पाइनल कॉर्ड के कितने रीजन्स होते हैं बेटा, 6 रीजन्स, कितने बेटा? हमने कहा द स्पाइनल कॉर्ड नर्वस कैन बी ग्रुप्ड एज, अब ऐसे लिखो द स्पाइनल कॉर्ड नर्वस कैन बी ग्रुप्ड एज उसके बाद कल का, कल हमने लिखा वो, हमने कहा बेटा इसके अंदर हमने कल क्या क्या कहा, हमने कहा बेटा सबसे पहले कर्विकल, ठीक है, या सैक्रम, वो हमने कल ऑलरेडी लिखा है, मतलब वो बेटा हमने कल ऑलरेडी लिखा है कौन क्या काम करता है, वो हमने ऑलरेडी बेटा कल लिखा है। तो बेटा ये हमारे किसका स्ट्रक्चर है, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर है, कैसे स्पाइनल नर्व्स या कैसे स्पाइनल कॉर्ड अराइज होता है, कैसे ये फंक्शन करता है। अब देखिए बेटा व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, इसके फंक्शंस क्या क्या है, स्पाइनल कॉर्ड के बेटा फंक्शंस क्या क्या है, हाँ लिखो ना फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, इसमें क्या है, स्पाइनल कॉर्ड फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, इट फॉर्म्स ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द ब्रेन एंड द पीएनएस, ये बेटा एक लिंक जोड़ता है किस किस के दरमियान, ब्रेन एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड द पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इट ऑल्सो प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, एंड बिल्ड्स ए बॉडी पॉइस्चर, ये बेटा स्ट्रक्चरल सपोर्ट हमें करता है और बिल्ड करता है किसको बेटा, बॉडी पॉइस्चर को। इट फैसिलिटेट्स फ्लेक्सिबल मूवमेंट्स, फ्लेक्सिबल मूवमेंट्स इट कम्युनिकेट्स मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी इट कोऑर्डिनेट्स रिफ्लेक्सेस कोऑर्डिनेट्स रिफ्लेक्सेस